सप्तत्वेन जन्माना देवो देवेभ्य हरि पवित्रे अर्षति भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी सनाथ सोमजेसे जपवा मानम हिस्रमा अथानो वस्य सस्कृति सना ज्योति सना स्वार विश्वा च सोम सौभागा स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज है रामनवमी और आज होगा रामलला का सूर्य तिलक। जी हां, दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक का विशेष अवसर है और अयोध्या में रामनवमी का की भव्य तैयारियां भी की गई हैं। आज की बात करें तो सुबह 3:30 से भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के राम मंदिर में जमा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या धाम की, जहां पर इस वक्त रामलला का की आरती हो रही है, पूजा हो रही है और इससे पहले ही बड़ी संख्या में, आधी रात से बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद थे रामलला के पहले दर्शन के लिए। आज रामनवमी के दिन रामलला का श्रृंगार किया गया और उन्हें आभूषणों से सजाया गया है आज विशेष अवसर के अवसर पर। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अयोध्या में रामनवमी का अवसर है, अपने आप में विशेष, अपने आप में एक बड़ा अवसर है। आज सूर्य तिलक होना है रामलला का, 12:16 दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक होना है, लेकिन उसके पहले रामलला का श्रृंगार, पूजा, अर्चन और उनकी आरती की जा रही है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे। भगवान रामलला का बहुत इच्छा थी दर्शन करने का। 3:30 के आसपास हम लोग को भगवान की दर्शन हुआ और वो भी रामनवमी के दिन में। बहुत हर्षित हैं, भगवान की इच्छा से मैं आज नवमी के दिन यहाँ उपस्थित हुआ। नवमी के दिन बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है, इतना सिस्टमेटिक तरीका से दर्शन हुआ, कहीं कोई रस नहीं मिला मुझे, बहुत सुकून से दर्शन हुआ। व्यवस्था किया हुआ है सरकार ने कि बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से और सुंदरता से दर्शन हुए भगवान। और हमारे साथ पंकज झा, हमारे रोविंग एडिटर मौजूद है, साथ ही निधि भी हमारे साथ जुड़ी, हमारी सहयोगी, दोनों के पास चलेंगे। पंकज, देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है, एक बात तो ये, और आज जिस सूर्य तिलक का जिक्र हो रहा है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, बहुत खास है और पहली रामनवमी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ी सी तस्वीर दिखाता हूँ कैसी सजी सवरी है आज अयोध्या नगरी जब भगवान राम का जन्मोत्सव होगा। और पहले ये बताया गया था जिस सूर्य तिलक की आप बात कर रहे हैं कि दोपहर 12:00 उसका सूर्य तिलक होगा और इसका एक ट्रायल भी हुआ था पहले, जो नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के लोग हैं। लेकिन अब जाकर के जो जानकारी आई है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि ये वक्त जो है, वो समय जो है बदला है, 12:16 पर हुआ है और उसमें जिस तरीके से किया गया है कि तीसरे फ्लोर से बिना किसी बिजली का यूज किए हुए, ना पावर का यूज किए हुए, लेंस, पीतल का ट्यूब और मिरर के जरिए भगवान राम के ललाट पर 12:16 पर वो सूर्य तिलक होगा। करीब 75 मिलीमीटर उसकी जो लेंथ है वह बताई जा रही है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी। और ये कहा जा रहा है दोपहर का वक्त इसीलिए तय किया कि ना तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल बराबर होता है, तो मिरर और लेंस का इस्तेमाल करते हुए भगवान राम लला का आज सूर्य तिलक भी होगा और इसको देखने के लिए बहुत उत्सुकता है। तो ये जो अयोध्या है ना, यहाँ पर जगह जगह आप जहाँ जाएंगे सरयू घाट से लेकर सड़क के किनारे आपको जगह जगह LED मिलेगा जहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जहाँ आप सूर्य तिलक देख सकते हैं। और ये इंतज़ाम इस बार ऐसा किया गया है कि आप देखिए आने जाने वालों के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है। आपको याद होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले ही दिन कैसे यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी, उसी से सबक सीखते हुए इस बार बेहतर प्लानिंग की गई है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। निधि के पास चलेंगे। निधि, आधी रात से ही लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, लगभग 3:30 से ही रामलला के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में लोग जमा होने लगे थे, क्या दृश्य है वहां पर, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं अयोध्या में?
बिल्कुल रवि, जय श्री राम। रामनवमी के अवसर पर आप सभी दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर जो अयोध्या में कुछ और ज़्यादा विशेष हो जाता है। मैं इस वक्त वीणा चौक पर हूँ रवि, लता मंगेशकर चौक इसे कहा जाता है। 3-लेयर सिक्योरिटी इस वक्त अयोध्या में है। एक जहाँ पर पंकज मौजूद हैं वो राम मंदिर परिसर के आसपास की सिक्योरिटी है, वहाँ पर पुलिस के जवान हैं और RAF के जवान हैं। इसके अलावा जो दूसरी लेयर है वो वीणा चौक पर है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तीसरी लेयर आउटर सर्कल है, तो इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है। 25 लाख से ज़्यादा अनुमान है रवि कि श्रद्धालु आ सकते हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं लगातार लोगों का आना शुरू हो चुका है। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती हुई श्री रामलला की, और उसके बाद से ही जैसा कि चंपत राय ने बताया है कि कपाट आज पूरे दिन खुले रहेंगे, 20 घंटे दर्शन हो पाएंगे भगवान श्री राम के। तो ये सबसे बड़ा अवसर है, और खास तौर पर जो आकर्षण है वो सूर्य तिलक है। सूर्य तिलक मतलब भगवान श्री राम की ललाट पर, उनके माथे पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और ये 4 मिनट तक पड़ेंगी। कल जब मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से कहा गया ये विज्ञान का और आस्था का अनूठा संगम है जो आज देखने को मिलेगा। और 12:15 बजे का इंतजार करना होगा। सुबह 10:30 बजे से रवि श्रृंगार शुरू हो जाएगा, अभिषेक शुरू हो जाएगा, 5 मिनट से अभिषेक किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम पीतांबर वस्त्र भी पहनेंगे। तो ये तैयारियां पिछले 9 दिन से चली आ रही, राम मेला चल रहा है यहाँ पर, कई श्रद्धालु आ रहे हैं लाखों की तादाद में। लेकिन आज का बताया जा रहा है कि अनुमान ये है कि 25 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे ख़ास बात ये है कि कई लेयर्स में बांटा गया है ताकि लोगों को दर्शन करने में, राम मंदिर जाने में परेशानी ना हो। इसके अलावा निधि, पंकज बता रहे थे कि जगह निधि, और जैसा कि हम बता भी रहे थे दर्शकों को कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है तो इसका उत्साह भी अलग है। लौटेंगे आप दोनों के पास, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए आपको एक बार फिर से हम बताते हैं कि सूर्य तिलक होगा कैसे। तो देखिए जैसा पंकज भी बता रहे थे, 3rd मंजिल पर एक रिफ्लेक्टर लगा है, वहां से सूरज की किरण मिरर वन से होते हुए लेंस 1 तक पहुंचेगी, फिर दूसरी मंजिल से मिरर 2 से होते हुए लेंस 2 तक किरण पहुंचेगी। 2 फ्लोर के बीच एक वर्टिकल पाइप है, इसमें 2 और लेंस हैं, इनसे होते हुए मिरर 3 तक सूरज की किरण पहुंचेगी, और फिर लेंस 4 और मिरर 4 होते हुए सूर्य तिलक होगा, यानी भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें सीधे तौर पर पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा, और माना जा रहा है कि इस अवसर पर इस क्षण उपस्थित रहने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लगातार यहां मंदिर परिसर में लोग मौजूद हैं। और एक बार हम आपको बता दें कि कैसे होगा रामलला का सूर्य तिलक, ये भी समझिए। तो देखिए छत पर बॉक्स में एक रिफ्लेक्टर है, और रिफ्लेक्टर से मिरर तक किरणें जाएंगी, मिरर के बाद लेंस से होते हुए किरणें बढ़ेंगी आगे, एक वर्टिकल पाइप से गुजरेंगी किरणें, और वर्टिकल पाइप के बीच में 2 और लेंसेज होंगे। रामलला के ठीक सामने 4th लेंस होगा, और 4th लेंस से शीशे से होते हुए माथे पर पड़ेंगी किरणें। कुल 4 लेंस और 4 मिरर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा इस सूर्य तिलक में, जिससे किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पहुंचेंगी, ललाट पर पड़ेंगी, और ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा। पंकज, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा हम देख रहे हैं मैकेनिज्म, एक तरीके से, एक तो आपने कहा कि कहीं कोई बिजली नहीं है और इसमें बिल्कुल एक भौतिक विज्ञान का प्रयोग किया गया है, तो ये जो प्रयोग है या ये जो सूर्य तिलक है, इसको डिजाइन कैसे किया गया, इसके बारे में क्या सोचा गया, कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए जब मंदिर को बनाया जा रहा था उससे पहले, जो याद होगा आपको 5 अगस्त को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका मंदिर कैसे बनेगा, उसी वक्त ये ख्याल आया था और ये तय हुआ था राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि भगवान राम लला का जो सूर्य तिलक किया जाएगा रामनवमी के दिन में। तो मंदिर का जो डिजाइन, जो पीछे आपको यहाँ से तो मैं नहीं दिखा सकता, वो मंदिर का जो डिजाइन है 3rd फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक, उसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि सूर्य की किरणों को अगर हम उसका इस्तेमाल करें, आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि जो पीतल का एक ट्यूब है जो ऊपर 3rd मंजिल से आता है, मिरर है, रिफ्लेक्टर है और लेंस है, इसमें किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसका समायोजन इस तरीके से नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के साइंटिस्ट ने किया है कि बिल्कुल जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे ही भगवान रामलला की तस्वीर है, और इस साइड से आखिरी जो ट्यूब से है वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे ललाट पे, भगवान राम के ललाट पे वो सूर्य की किरण पड़ेगी। और दोपहर का वक्त उस हिसाब से तय किया जाता है कि उसी वक्त सूर्य की किरण का
रिफ्लेक्टर और लेंस से होते हुए इस तरीके से ललाट पर पड़ता है कि पूरा माथा जो है उनका चमक जाए। 75 मिलीमीटर उसकी बताई जा रही कि साइज होगी। 4 मिनट तक ये अद्भुत दृश्य होगा और लोगों में बड़ा कौतूहल है इसको लेकर के कि कैसा होगा, कैसे दिखेंगे। एक बार ट्रायल भी हुआ जब थोड़ा सा अंधेरा कर दिया गया था गर्भगृह के अंदर और वो सूर्य तिलक देखा था, तो लोगों में बहुत भीड़ हो जाती है उस वक्त में। इसीलिए किया गया कि LED हर तरफ लगा दिए गए कि इस अद्भुत क्षण को लोग जहाँ हैं जैसे हैं वो वैसे वो देख सकें। शुक्रिया पंकज, शुक्रिया निधि आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम लौटेंगे आपके पास दोबारा फिर से इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने TV9 से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने सूर्याभिषेक के बारे में बताया। क्योंकि सूर्यवंशी भगवान राम हैं, सूर्यवंश में पैदा हुए हैं और इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, इसलिए जब इनका अवतार हुआ था तो 1 महीने तक सूर्य यहाँ स्थापित हो गए थे। ठीक 12 बजे भगवान राम का अवतार हो जाएगा और उसी समय प्रारंभ होगा। केवल 4 मिनट तक वो सूर्य का प्रकाश, 4 मिनट तक होगा बस, 4 मिनट तक सूर्य का प्रकाश उनके मस्तिष्क में रहेगा। और कितने लोग साक्षी बनेंगे, कितने लोग आ रहे हैं अयोध्या? वहाँ पहुँच गए हैं अब साक्षी तो बहुत लोग बनेंगे, जितने वहाँ रहेंगे उस समय उपस्थित सभी साक्षी। और राम नवमी के मौके पर अयोध्या में राम भक्त दर्शन के लिए जुटे। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण गोकीराज भी परिवार के साथ अयोध्या। रामनवमी के मौके पर देश भर से राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण गोकीराज भी अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। रामनवमी की पूर्व संध्या पर मंगलवार को अयोध्या में लेजर और लाइट शो का आयोजन किया गया। और बात चुनाव की तो आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और TV9 के ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में NDA को 362 और इंडिया गठबंधन को 149 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। चुनाव से पहले आपका अपना चैनल TV9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल में सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई और लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 362 सीटों पर NDA जीत हासिल कर सकती है। इसमें BJP की 319 सीटें हो सकती है जबकि BJP की सहयोगी पार्टी 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है जिसमें कांग्रेस के खाते में करीब 49 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में सकती हैं। और आज दो राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम की आज असम और त्रिपुरा में रैलियां हैं। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की जनसभा होनी है, अगरतला में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी आज असम और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के मुताबिक असम के बरपेटा संसदीय क्षेत्र से AJP उम्मीदवार फणीभूषण चौधरी के लिए पीएम नलबाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम त्रिपुरा के अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में उनकी चुनावी रैली करेंगे जिसके जरिए वो त्रिपुरा के लोगों को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा के पूर्व CM और त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से BJP प्रत्याशी बिप्लव कुमार देव ने कहा है कि पीएम की चुनावी रैली ऐतिहासिक होगी। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान शाह ने छिंदवाड़ा के लोगों से BJP प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो किया। शाह ने करीब 700 मीटर की दूरी तय की। अमित शाह ने रास्ते भर उन्होंने जनता का अभिवादन किया। पूरे रास्ते में उनके साथ एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नजर आया। रोड शो में जुटे लोगों ने शाह पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता भी शामिल हुए। शाह ने छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के पक्ष में ये रोड शो किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को घेरा। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर खड़गे ने बयान दिया था, जिसके जवाब में अमित शाह ने बताया कि आखिर एनडीए को क्यों 400 सीटें चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी। और गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों नेता एक साथ कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे। कौशाम्बी इलाके में दोनों नेता आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दोनों नेता गाजियाबाद में मंच से चुनावी प्रचार करेंगे। अखिलेश और राहुल गाजियाबाद लोकसभा सीट पर गठबंधन उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। 2019 में गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वीके सिंह ने कांग्रेस की डॉली शर्मा को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और राहुल गांधी गाजियाबाद के बाद आज कर्नाटक के मांड्या और कोलार में जनसभाएं करेंगे। दोनों जगहों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीएस से। यूपी के गाजियाबाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज मांड्या और कोलार में जनसभाएं करेंगे। दोनों सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीएस से है। मांड्या में पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी और कांग्रेस के वेंकट रमणे गौड़ा और कोलार में कांग्रेस के केवी गौतम और जेडीएस के एम मलेश बाबू के बीच है। कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव कर्नाटक में 28 में से सिर्फ एक सीट जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा, देखिए। मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो तुम्हारे सामने है जो अखिलेश यादव का नाम जो जब आजम खान का ना हुआ तुम्हारा हो जाएगा। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी को ही वोट देना है तो इससे बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को बराह रास्त वोट दे दो। और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर दिया भद्र बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से रणदीप सुरजेवाला ने एक्शन लिया है। आयोग सुरजेवाला के बयान को अशोभनीय और असभ्य बता चुका है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत आयोग ने सुरजेवाला को 2 दिनों के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। इसके साथ ही उनके मीडिया को इंटरव्यू देने पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को चेताया था कि चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने ये हिदायत दी थी। और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने संकल्प सभा की शुरुआत की। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों के दिलों में आक्रोश है। लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। हम जेल का जवाब वोट से देंगे। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया है, पूरे दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। हर व्यक्ति एक ही बात, आज उसके जुबान पर एक ही बात है, ये गलत हुआ। ये जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है,
जो जेल में बंद किया गया है, इस जेल का जवाब कोर्ट से देने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। और जेएमएम नेता का पीएम मोदी पर विवादित बयान सामने आया। नजरुल इस्लाम का पीएम पर विवादित बयान, नजरुल ने पीएम की हिटलर से तुलना की। बीजेपी ने बयान को हताश और निराश करने वाला। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर जाएगा। वहीं विवाद बढ़ने के बाद नजरुल इस्लाम ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। आइए सुनते हैं क्या दी है शपथ। 400 गाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरो कर रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा था। बावजूद इसके इस बात से किसी को आहत पहुंची, किसी भावना को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चंबा में चुनाव प्रचार किया। कंगना ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पंचायत में पहुंचकर लोगों से की वोट की अपील। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जहां एक और वो आम जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए समर्थन मांग रही हैं। इस दौरान कंगना ने खुद को डाकिया बताया। मैं आपको कहती हूं कि मैं आपका डाकिया हूं और मेरा क्या काम होगा यहां पर, किस लिए मुझे भेजा है यहां पर। मैं आपका डाकिया हूं और मैं आपकी डाकिया बनकर ही रहूंगी और एक अच्छा डाकिया बनकर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बात राम नवमी की, तो राम जन्मभूमि में जन्मोत्सव की धूम है। आज होगा राम लला का सूर्य तिलक। दोपहर 12:16 पर होगा सूर्य तिलक। अयोध्या में राम नवमी का भव्य, राम नवमी को लेकर भव्य तैयारियां हैं। सुबह 3:30 हुआ राम लला का अभिषेक और तब से ही बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद है। और चलिए अब आपको अयोध्या में राम नवमी की 5 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पूरी अयोध्या राममय है। रात में लेजर शो, सुबह 3:30 से ब्रह्म मुहूर्त में रामलला का अभिषेक हुआ और दोपहर 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है। सीधे चलेंगे पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही निधि वासंदानी हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी मौजूद है पंकज के पास चलेंगे। पंकज, हम सूर्य तिलक का जिक्र लगातार कर रहे हैं, हम बता भी रहे हैं कि सूर्य तिलक कैसे होगा, लेकिन आम जनमानस में क्या उत्साह है इस अवसर को लेकर, खासकर सूर्य तिलक को लेकर। देखिए, अब तो अयोध्या नगरी में भी सूर्य की किरणें जो है ना वो थोड़ी सी तेज होने लगी हैं और मैं जिस जगह पे हूँ वो राम मंदिर का मुख्य दरवाजा और देखिए सामने लिखा हुआ भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, मतलब आज भगवान राम का प्राकाटोत्सव है। तो राम नवमी है पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला का, लेकिन सबसे खास जो है जिसको जानने के लिए लोगों में बड़ी इच्छा है, कौतूहल का भाव है, जिसके बारे में लोगों ने देखा सुना, फिर ट्रायल वाला जो वीडियो देखा वो है सूर्य तिलक को लेकर के, कि कैसे रामलला जो मंदिर में गर्भगृह में विराजमान है उनके ऊपर में सूर्य की किरणें कैसे पड़ जाएंगी। तो जिस तरीके से CBRI ने पूरी तकनीक से इसका एक ट्रायल किया है और आज 12:16 पर उस शुभ मुहूर्त में जब भगवान सूर्य की किरणें पड़ेंगी करीब 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, और वो जो 75 मिलीमीटर का एक तिलक जो है ललाट पर भगवान राम का होगा उसको देखने के लिए भी खास लोगों में यहाँ अयोध्या नगरी में लोगों के बीच बड़ा कौतूहल है और बड़ा जिज्ञासा है। इसीलिए शहर के अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जहाँ घाट बने हुए हैं, राम की पैड़ी है, वहाँ LED लगा दी गई है कि ताकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत क्राउड नहीं हो ठीक उस वक्त जब सूर्य तिलक होगा।
बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं कि सूर्य तिलक देखने के लिए लोगों के मन में जबरदस्त उत्साह है, और चूंकि अव्यवस्था ना हो इसके लिए स्क्रीन्स लगा दी गई हैं, क्योंकि जाहिर है हर व्यक्ति रामलला के सूर्य तिलक को सीधे तौर पर वहां देखने की कोशिश करेगा तो एक भीड़ इतनी हो जाएगी उसे व्यवस्थित करना मुश्किल होगा, उसके लिए ये सारे इंतजाम किए गए। और आइए आपको बताते हैं कि रामलला की सूर्य तिलक किस प्रकार से होगा, ये सूर्य तिलक कैसे होगा, जरा उसकी प्रक्रिया भी देख लीजिए। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश तीसरे तल पर लगे पहले लेंस पर पड़ेगा जो परावर्तित होकर पीतल की पाइप से जाएंगी और फिर इस पाइप में लगे एक और दर्पण से टकराएंगी किरणें और फिर परावर्तित होकर इसके बाद किरणें फिर पीतल के पाइप से जाते हुए अलग अलग लेंस से गुजरेंगी और लंबे पाइप के गर्भगृह के सिरे पर लगे लेंस से टकराएंगी। यहां टकराने के बाद ये किरणें सीधे भगवान राम के ललाट पर 75 मिलीमीटर का गोल आकार का तिलक लगाएंगी और यही दृश्य जो होगा ये अपने आप में अद्भुत होगा जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। और अब देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है। निधि हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। निधि तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से लोग जमा हो रहे हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि आधी रात से ही लोग मंदिर परिसर और उसके आसपास जमा हो चुके हैं और भारी भीड़ है, उत्साह है लोगों में रामलला के दर्शन के लिए आज। बिल्कुल रवि, सूर्य की किरण का जो तेज है वो उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसा कि धार्मिक मान्यता भी है इसकी, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है भगवान सूर्य और भगवान राम का, तो ऐसे में ये सूर्य तिलक बहुत आकर्षण का केंद्र है। बहरहाल मैं इस वक्त वीणा चौक में हूँ और बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि जो मेरे कैमरा पर्सन है राजू वो तस्वीरें पहले दिखाएं, फिर मैं यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं जो राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं उनसे बात करूंगी। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। मैं एक बार 360 डिग्री पैन शॉट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा ये इलाका खचाखच भरा हुआ है। यहीं से ही 2 किलोमीटर दूर राम मंदिर परिसर है, 3 लेयर सिक्योरिटी है, लेकिन यहीं से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ी अलाउड नहीं है, लोग पैदल ही आकर राम मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत उत्साहित नजारे, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप, उत्साहित हैं आज श्री रामलला को देखने? उत्साहित हैं, जा रहे हैं दर्शन करने, स्नान कर चुके हैं हम लोग। अब दर्शन कर लिए आपने? अब दर्शन करने राम मंदिर जा रहे हैं। जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आप आ जाइए, दर्शन करने जा रहे हैं राम मंदिर, स्नान करके आ गए यहाँ पे। हम लोग बहुत खुश हैं, भीड़ भाड़ बहुत शांत माहौल है। आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। ओम जय तबलो राम लक्ष्मण महाबल राजा। जय सुग्रीव राघवेड़ा पालित दासो हम कौशलेन्द्र रामस क्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्याणाम निहांता मार्तात्मज नारावण साहस में युद्धे प्रतिफलम भवेत शिला भी प्रहता पातप सहरसा अर्धद्याम प्रेम लंका भिवात श्याम मैथिलीम गमिष्याम इसम सबरसम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम। सूर्य तिलक आज होने वाला है, उसके लिए उसे देखने के लिए उत्साहित है जी? उसके लिए हम लोग आए हैं और योगी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना भव्य मंदिर बना जो कि कोई सरकार ने काम नहीं कर पाया और हमारे योगी और मोदी सरकार ने करके दिखलाया। आप क्या कहेंगे? जी मैम, हम लोग भी दर्शन करने आए हैं रामलला की। अभी करने जा रहे हैं जी मैम। कहाँ से आए आप? हम लोग गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो पुरी से आए हैं, ओडिशा से, और बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर जय श्री राम का नारा ले रहे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और ये निधि तो देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे, आज विशेष अवसर भी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आधी रात से ही लोग रामलला के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लौटेंगे आप दोनों के पास आगे भी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करते हैं सियासी खबर की जिस पर रहेगी आज दिन भर नजर। पहली बड़ी ब्रेकिंग आज की सुबह 9 बजे राहुल अखिलेश की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज यूपी में फिर एक साथ दिखेंगे राहुल अखिलेश, गाजियाबाद में राहुल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आइए अब आपको दिखाते हैं राहुल और अखिलेश कब कब साथ आए।
कब कब एक साथ नजर आए राहुल और अखिलेश यादव। तो देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जनवरी 2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का था और उस दौरान हमने ये तस्वीरें देखी थी कि वो साथ साथ नजर आए थे। उसके अलावा फरवरी 2024 भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वो साथ नजर आए थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ नजर आएंगे। तो ये तीन तस्वीरें, आज एक तस्वीर जिसकी प्रतीक्षा है और इसके पहले विधानसभा चुनाव और फिर जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी राहुल गांधी में, उसमें भी अखिलेश यादव अंततः साथ नजर आए थे। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर, खासकर उत्तर प्रदेश की जो सियासी और जो हलचल है या फिर जो चुनावी राजनीति है उसको लेकर इन दोनों चेहरों का साथ में आना, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में एक चर्चा का विषय, आज का एक बड़ा एजेंडा। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि राहुल अखिलेश की जोड़ी जब जब साथ आई तो नतीजे क्या रहे। चुनावी आधार पर अगर देखा जाए तो इनके नतीजे क्या रहे 2017 विधानसभा चुनाव, सबसे पहले उस पर नजर डालते। देखिए 298 सीटों पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव में ताल ठोकी थी, यानी कि जो गठबंधन हुआ उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ वो भी देखिए। समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई और कांग्रेस को, जो कांग्रेस की बात करें, 7 सीटों पर जीत हासिल हुई और नतीजा ये हुआ कि गठबंधन टूट गया, ये गठबंधन चला नहीं और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। फिर एक बार 7 साल बाद दोनों एक साथ नजर आए। अब मौका है लोकसभा चुनाव का और यूपी की 80 सीटों पर दोनों का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये आंकड़ा है, ये एक आपस की साझेदारी। इसके नतीजे क्या होते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अहम है। दोनों नेता क्या कहते हैं लोगों से, मतदाताओं से, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार भी थमने वाला है और ठीक उसके पहले ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अगर इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखें तो। और अब बात करते हैं दूसरी खबरों का जो तय करेंगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासत का एजेंडा क्या होगा, चुनावी एजेंडा क्या होगा। तो आज देखिए प्रियंका गांधी का यूपी दौरा है और मां शाकंभरी देवी के दर्शन का कार्यक्रम है। सहारनपुर में रोड शो करेंगी प्रियंका, इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी प्रियंका। तो प्रियंका गांधी की मौजूदगी सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। प्रियंका की मौजूदगी, इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में क्या क्या करेंगी देखते हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका की 24 की तैयारी क्या है, एक बार जरा उस पर नजर डालें। सुबह 10 बजे आज के कार्यक्रम की बात करें, देखिए शाकंभरी मंदिर जाने वाली हैं और वहां दर्शन के बाद वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। इमरान मसूद के समर्थन में यहां प्रचार कर रही हैं, रोड शो करेंगी और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा प्रियंका गांधी की तरफ से। और ये सब कुछ देखिए पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। तो ये है तैयारी प्रियंका की। सुबह 10 बजे सहारनपुर जाएंगी, शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, गोल कोठी स्थित जैन मंदिर भी जाएंगी, इमरान मसूद के समर्थन में वो रोड शो करेंगी। गोल कोठी के से गुरुद्वारा रोड तक वो रोड शो करेंगी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में मत्था टेकेंगी। और इस तरह से आज का उनका कार्यक्रम है। फोकस क्या है, 27 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है उस पर पूरा का पूरा फोकस है इंडिया गठबंधन का। और अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो बनेगी आज पूरे दिन का एजेंडा। जी हां, जेएमएम नेता का पीएम मोदी पर विवादित बयान, नजरुल इस्लाम का पीएम पर विवादित बयान। नजरुल ने पीएम की हिटलर से तुलना की, बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर दिया। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि विवादित बयान पर बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी का क्या रिएक्शन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी अलायंस के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम सरेआम सार्वजनिक मंच से चुनावी भाषण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की
और उन्हें 400 फीट जमीन में गाड़ने की बात करते हैं और धमकाते हैं। ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी और नफरत की जुबान और भाईजान? एनडी अलायंस जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है, हताश और निराश लोगों का समूह हो गया, लेकिन अब तो ये नफरत भरे बोल और जहरीले बोल के लिए जाने जाते थे, अब तो ये सीधे प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं नजरुल इस्लाम और वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कि उनको 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। साहब आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और क्या है ये पूरा मामला, चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। नजरुल इस्लाम जेएमएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। साहिबगंज चौक पर जेएमएम का एक दिवसीय धरना था, कार्यक्रम था धरने का, जहां पर नजरुल इस्लाम ने लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम पर विवादित बयान भी दिया। साहिबगंज नगर थाना में नजरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है कि जिस तरह का बयान नजरुल इस्लाम ने दिया वो अपने आप में आपत्तिजनक है। और विवाद बढ़ जाने के बाद जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने अपने बयान पर क्या सफाई दी है वो भी सुनिए। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा था। बावजूद इसके इस बात से किसी को आहत पहुंची, किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे बढ़ते हैं। बाहुबली धनंजय सिंह के निजी सुरक्षा कर्मी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर अनीस खान की हत्या कर दी। यूपी में जौनपुर के रीठी गांव की वारदात बताई जा रही है। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव है, जेल में बंद है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। तो क्या हुआ जौनपुर में यह भी समझिए, क्या है यह पूरा मामला। तो पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के गनर अनीस खान को गोली मारी गई, यह घटना हुई है और अज्ञात बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हो गए, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। गोली मारने की घटना के बाद वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने अनीस खान को अस्पताल में पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में अनीस खान को भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अनीस खान को मृत घोषित किया। नहीं, अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने जांच करने के बाद मृत घोषित किया। हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है। तो धनंजय सिंह के गनर की हत्या कर दी गई। सिकरारा थाना इलाके के रीठी गांव में ये गोलीबारी हुई है, ये शूटिंग हुई है।